एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग अपने फेस की तो केयर करते ही होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। बट क्या आप लोग अपनी बॉडी की केयर करते हो? फेस की केयर करते करते हम बॉडी को भूल जाते हैं। बॉडी की स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, एंड जैसा हमारा फेस दिखता है वैसा बॉडी का कलर नहीं दिखता, बिकॉज हम बॉडी में वो चीज अप्लाई नहीं करते जो हम अपने फेस पे करते हैं। उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे बैक एक्ने, पिंपल, टैनिंग, रफ एंड ड्राई स्किन। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे DIY रेमेडीज शेयर करूंगी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे अपनी बॉडी की केयर कर सकती हूँ, एंड पूरा माय फुल बॉडी रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले फेस की बात आती है, उसके लिए आपको चाहिए 1 tablespoon ऑफ रोज पेटल पाउडर, 2 tablespoon ऑफ रॉ मिल्क, मिक्स इट, अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस। इससे क्या होगा कि आपका फेस एकदम मॉइस्चराइज हो जाएगा, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, रोजी पिंक लगेगी, क्योंकि रोज पेटल हमारी स्किन को फ्रेश करता है, स्किन को इंस्टेंटली हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। रॉ मिल्क हमारी स्किन को नरिश एंड मॉइस्चराइज करता है, एंड जो समर हीट है उसकी वजह से जितना भी हमारा फेस से मॉइस्चर स्ट्रिप अप हो जाता है वो वापस हमें मिल जाता है फेस मास्क वगैरह अप्लाई करने से। सो स्किन को डीपली मॉइस्चराइज एंड हेल्दी बनाने में एंड स्किन को गुड कंडीशन में रखने के लिए हमें इस रूटीन को फॉलो करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, और आप लोग एवरी 15 डेज में ये रूटीन को फॉलो कर सकते हो। इस फेस मास्क को अपने फेस पे 10 मिनट्स तक लीव कर दीजिए। जैसे ही वो ड्राई हो जाए तो आपको अपने हैंड्स को वेट करना है, या कोई भी एक कॉटन क्लॉथ या सॉफ्ट क्लॉथ लेना है, आपको उसको वेट कर लीजिए यानी कि गीला कर लीजिए, एंड इस तरीके से वो सारा फेस मास्क को रिमूव कर लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा एक्सफोलिएशन भी मिल जाएगा हमारी स्किन को, स्किन में जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, तो हमें एक ग्लोइंग स्किन मिलेगी। इसको आप लोग डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हो। आफ्टर दैट हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। कोई भी हम फेस मास्क अप्लाई करें या फेस स्क्रब कर रहे हैं तो हमें मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। हमें स्किन को तुरंत ही मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए। थोड़ी सी जब गीली होती है हमारी स्किन तभी मॉइस्चराइज कर लो, तो हमें वाटर कंटेंट के साथ मॉइस्चराइजेशन भी मिल जाता है, तो हमारी स्किन और भी ज़्यादा ग्लोइंग एंड फ्रेश दिखती है। एज यू कैन सी कितना अच्छा ग्लो आया मेरी स्किन में। आफ्टर दैट अब हम बॉडी पे आते हैं। बॉडी की स्किन के लिए हमें ऐसे बॉडी वॉश की ज़रूरत होती है जो नेचुरल हो एंड जिसको हम हमेशा यूज़ कर सकें एंड लॉन्ग टाइम हमारी स्किन को हेल्दी रखें एंड गुड कंडीशन में रखें। उसके लिए आज मैं ये वाला बॉडी वॉश को कह सकते हो, आप इसको बॉडी स्क्रब कह सकते हो, जो मैं एवरी 15 डेज यूज़ करती रहती हूँ अपनी स्किन में, या वंस अ वीक। इस फेस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए होगा 4 tablespoon ऑफ बेसन, 2 tablespoon ऑफ सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर, आप 1 tablespoon भी ले सकते हो, देन पिंच ऑफ टर्मरिक, एंड ऐड 3 to 4 tablespoon ऑफ कर्ड यानी कि दही। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, एंड इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए अपने नेक पे एंड अपने हैंड्स पे, फेस पे, फुल बॉडी पे, लेग्स पे भी अप्लाई कर लीजिए एंड अपने टमी पे भी अप्लाई कर लीजिए, जिससे जितनी भी डेड स्किन है एंड जितने भी डर्ट हमारे पोर्स में है वो सारा क्लीन हो जाएगा, आपकी पूरी स्किन क्लीन हो जाएगी, आपको कोई बॉडी वॉश की जरूरत नहीं होगी किसी भी ब्रांड का। आप लोग जस्ट ये नेचुरल रेमेडी यूज़ करिए, आप लोग वंस अ वीक कर सकते हो, इससे आपकी स्क्रबिंग भी मिल जाएगी, सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो मिलेगा। एंड इतना ही नहीं, जैसे आपके डार्क नेक हो जाते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे कि आप डार्क नेक के लिए रेमेडी शेयर करिए, तो मैं कहूँगी आप ये वाली रेमेडी ट्राई करिए, एंड इसको आपको रेगुलरली ट्राई करना है, अपने नेक पे अप्लाई करना है, जहाँ भी डार्क एरियाज है जैसे कि एल्बोज हुए, नीज हुए, वहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। अच्छे से मसाज करिए, एक्सफोलिएट करिए उतनी स्किन को, जितने भी डेड स्किन होगी एंड डर्ट जितना भी जमा हो जाती है वो सारी रिमूव हो जाएगी, एंड आपको एक फेयर कलर मिलेगा। मैं फेयर तो नहीं बोलूँगी, बट आपका जो नेचुरल कलर है वो वापस आ जाएगा। इतना अच्छी रेमेडी है, एंड ये बहुत ही ईजी है, क्विक टू मेक, एंड इसको आप 10 मिनट्स तक ऐसे ही लीव कर दीजिए। जैसे ही वो ड्राई हो जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा गीला करके एंड आप उसको रिमूव कर लीजिए, एक्सफोलिएट कर लीजिए, एंड इस तरीके से मैं कॉटन क्लॉथ या कोई भी सॉफ्ट क्लॉथ के हेल्प से इसको रिमूव कर लूँगी। आप चाहो तो डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हो, जब भी आप शावर लेने जाते हो तो इस बॉडी वॉश, इस बॉडी स्क्रब को ट्राई करिए, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मैं इस बॉडी वॉश को यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इमीडिएटली, मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है,
जाती है एंड इंस्टेंटली ब्राइट एंड ग्लोइंग दिखने लगती है। एज यू कैन सी कितनी अच्छी दिख रही है, कैमरे में भी इतनी अच्छी दिख रही है, तो रियल में तो बहुत ही अमेजिंग लगेगी। माई नेक्स्ट टिप इज हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। मैं अपनी स्किन में कोई भी बॉडी लोशन अप्लाई नहीं करती हूँ, बिकॉज जब भी मैं बॉडी लोशन अप्लाई करती हूँ तो मुझे रैशेज हो जाते हैं, इसलिए मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, नेचुरल कोकोनट ऑयल। अपनी फुल बॉडी पे, हैंड्स, लेग, अपने फेस पे भी यहाँ तक अप्लाई कर लेती हूँ, इतना अमेजिंग होता है। आप अपने पूरे लेग पे अप्लाई करिए, इससे क्या होगा कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग होगी। एंड कोकोनट ऑयल तो इतना अच्छा होता है कि हमारी स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रखेगा, गुड कंडीशन में रखेगा, नरिश रखेगा। एंड आप चाहो तो कोई भी बॉडी लोशन अप्लाई कर सकते हो, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आप कोकोनट ऑयल ऐड करके मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है। नाउ माय नेक्स्ट टिप इज यूजिंग कैंडिड पाउडर अगर आप लोग को बैक एक्ने की प्रॉब्लम होती है। ये पाउडर अमेजिंग होता है बिकॉज गर्मियों में क्या होता है कि हमें बैक एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है, पिंपल्स होने लगते हैं जो बहुत ही पेनफुल होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस कैंडिड पाउडर को आप परचेज करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, वहां पर आपको डेफिनेटली ये पाउडर मिल जाएगा। इसको आप अपने पूरे बैक पे अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से, जब भी आप शावर लेके आते हो देन, और नाइट पे भी इसको आप अप्लाई करके सो जाइए। तो अगर आप लोगों के फीट ड्राई हो जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं, क्रैक्ड हील्स हो जाती हैं, तो उसके लिए आप रोज रात में वैसलीन या बोरोलीन या बोरो प्लस, ये थिक क्रीम्स होती हैं जो बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं फीट के लिए। तो यहाँ मैं अपने टोज में, फीट पे अप्लाई कर लेती हूँ डेली नाइट पे, या जब भी आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत देर तक बैठना है तब आप अप्लाई करके बैठ जाइए। उससे क्या होगा कि आपके जो फीट हैं वो एकदम मॉइस्चराइज हो जाएंगे, चैप नहीं होंगे एंड हील हो जाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज। एंड ऑल्सो गाइज, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड पिंट्रेस्ट पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी, डांस, फैशन से रिलेटेड वीडियोज पोस्ट करती हूँ एंड पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड फॉलो मी देयर। एंड आप लोग मुझे ब्लॉगिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर भी मैं अब कंसिस्टेंट होने वाली हूँ, सो यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्टिविटी रूटीन्स एंड मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन एंड बहुत सारे ब्लॉग्स एंड अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।